हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मैशर। द टॉपिक इज शेड्यूल। शेड्यूल जो है ट्रांजैक्शन के अंदर काफ़ी जगह पे यूज होता है। शेड्यूल क्वेश्चंस में भी दिया होता है कि ओके द गिवन शेड्यूल इज दिस। शेड्यूल बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है क्या? इट इज़ अ क्रोनोलॉजिकल एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल ट्रांजैक्शन। मतलब मल्टीपल ट्रांजैक्शंस किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रही हैं, दैट इज द शेड्यूल। सो शेड्यूल में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली मल्टीपल ट्रांजेक्शन है। लेट्स से ट्रांजेक्शन T1 है, ट्रांजेक्शन T2 है, ट्रांजेक्शन T3 है। देर आर मल्टीपल ट्रांजेक्शन, वट इज द ऑर्डर और वी कैन से वट इज द सीक्वेंस दैट दीज ट्रांजेक्शन आर गेटिंग एग्जीक्यूटेड, दैट इज कॉल्ड द शेड्यूल। मतलब इनमें से सबसे पहले कौन सी ट्रांजेक्शन हुई, लेट से T1 एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, उसके बाद T2 एग्जीक्यूटेड, फिर T3 एग्जीक्यूटेड, दिस इज कॉल्ड द शेड्यूल। लेकिन शेड्यूल बेसिकली दो तरीके से हो सकते हैं, एक है सीरियल शेड्यूल और एक पैरलर। देर इज अ सीरियल एंड पैरलर। सीरियल मींस, नाम से ही पता लग रहा है, सीरियल मींस वन बाय वन। अगर मेरे पास मल्टीपल ट्रांजेक्शंस है, लेट्स से ट्रांजेक्शन है T1, T2 एंड T3, सीरियल शेड्यूल का क्या मतलब है कि पहले अगर T1 स्टार्ट हुई, तीनों में से कोई भी स्टार्ट हो सकती है पहले, लेकिन जो ट्रांजेक्शन पहले स्टार्ट हो गई वो ट्रांजेक्शन पूरी की पूरी कंप्लीट होगी, उसके बाद दूसरी ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगी। लेट्स से कि अगर T1 स्टार्ट हुई पहले, तो T1 जो है जितना टाइम T1 लेगी, जिस पॉइंट पे T1 खत्म होगी उस टाइम पे T2 स्टार्ट होगी। मतलब ये पूरा टाइम T1 ने लिया, जब T1 पूरी कमिटेड होगी, पूरी सक्सेसफुल कंप्लीटेड हो गई, उसके बाद T2 स्टार्ट हुई। अब T2 जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी, लेट्स से इस पॉइंट पे T2 पूरी कंप्लीट हुई, अब T3 उसके बाद स्टार्ट होगी। सो दिस इज हाउ द सीरियल शेड्यूल, दिस इज हाउ वी राइट द सीरियल शेड्यूल। सीरियल शेड्यूल का सिंपल सा मीनिंग है कि हर ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगी, जब तक वो कंप्लीट नहीं होती नो अदर ट्रांजेक्शन कैन इंटरफेयर। अब यहां पे अगर आप सोचो कि एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज कि एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई, कंप्लीट हुई, फिर दूसरी ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई, कंप्लीट हुई, व्हाट इज एडवांटेज? एडवांटेज हियर इज कंसिस्टेंसी। मतलब डेटाबेस में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमेशा ये कंसिस्टेंट आंसर देगा। कंसिस्टेंट आंसर देगा बिकॉज जब भी T1 स्टार्ट हुई, जब तक T1 कंप्लीट नहीं होती, T2 बीच में इंटरफेयर ही नहीं कर सकती। जब एक काम, अगर कोई भी पर्सन अगर एक काम कर रहा है और उसके बीच में कोई और इंटरफेयर नहीं कर रहा, कोई अदर ट्रांजेक्शन इंटरफेयर नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली हमेशा रिजल्ट क्या आएगा मेरा, कंसिस्टेंट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहां पे, प्रॉब्लम है वेटिंग टाइम। मैंने क्या बोला, T1, T2, T3 तीनों एक टाइम पे आई, तीनों में से कोई भी एक स्टार्ट होगी। लेट से T1 स्टार्ट हो गई, अगर T1 स्टार्ट हो गई, T2 भी उस टाइम पे आ गई थी, लेकिन क्या मैंने T2 को एंगेज किया? नहीं, T2 वेट कर रही है, T3 वेट कर रही है। जब तक T1 पूरी कंप्लीट नहीं होती, T2 स्टार्ट भी नहीं हो सकती, T3 स्टार्ट भी नहीं हो सकती। जब T1 कंप्लीट हो जाएगी, ओनली देन T2 कैन स्टार्ट और T3 कैन ऑल्सो स्टार्ट। बट जो स्टार्ट हो गई वो कंप्लीट हो गई, देन अनदर ट्रांजेक्शन कैन स्टार्ट। अगर हम इसको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में देखें, रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर हम देखें इसकी, जैसे ATM, अगर आप ATM से पैसे विड्रॉ कर रहे हो, मनी विड्रॉ कर रहे हो, तो वहां पे अगर क्यू है, अगर वहां पे 2-3 लोग वेट कर रहे हैं, तो आपको वेट करनी पड़ेगी जब तक कि एक बंदा ट्रांजेक्शन कंप्लीट ना कर ले। बीच में एक ही मशीन पे 2 लोग एक टाइम पे ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, या तो मशीन ही 2-3 लगी हो, लेकिन अगर एक ही मशीन है ATM के अंदर, उसमें अगर एक ही मशीन है, तो एक टाइम पे एक बंदा ही ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेगा। जब उसकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई,
उसके बाद दूसरा स्टार्ट कर सकता है। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, वेट ही करते हैं। तभी तो क्यों होती है, क्यों क्यों होती है, क्योंकि एक टाइम पे एक बंदा यूज कर रहा है एटीएम, बाकी वेट कर रहे हैं। तो उसके इसमें एडवांटेज तो दिख ही रही है। एडवांटेज क्या है, सिक्योर है। जब एक बंदा ट्रांजेक्शन कर रहा है, कोई दूसरा बंदा उस टाइम पे इंटरफेयर नहीं कर रहा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वेटिंग। सारे बंदे क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि हमारी टर्न कब आएगी। ऑल्दो दे आर प्रेजेंट, ऑल्दो वो उस टाइम पे वहां पे खड़े थे, लेकिन उनको वेट करना पड़ेगा जब तक कि पहले वाली ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती। तो इसीलिए हम यूज करते हैं क्या, पैरेलल शेड्यूल। पैरेलल शेड्यूल क्या है, जहां पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक ही टाइम पे आ भी सकती है और स्टार्ट भी हो सकती है। लेट से T1 ट्रांजेक्शन आई, पहले T1 ट्रांजेक्शन को हमने स्टार्ट किया, लेकिन उसी टाइम पे अगर T2 और T3 भी आ गई, तो मैं T1 की कंप्लीट होने तक वेट नहीं करूंगा, मैं स्विच करता रहूंगा। सीपीयू तो मेरे पास एक ही है, तो मैं उस सीपीयू को स्विच करूंगा। बीच में मैं T2 को भी स्टार्ट करवा दूंगा और बीच में मैं T3 को भी स्टार्ट करवा दूंगा, फिर दोबारा से फिर T1 को स्टार्ट करवाऊंगा, या बीच में से जो ऑपरेशंस T1 के बचे हुए उनको कंप्लीट करवाऊंगा, फिर बीच में मैं T3 और फिर बीच में T3। मतलब मल्टीपल ट्रांजेक्शंस एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट हो रही है, एक से ज्यादा ट्रांजेक्शंस एक ही टाइम पे मेरी पैरेलल रन कर रही है। और इसका बेसिक से एग्जांपल क्या है, रियल वर्ल्ड में अगर आप देखो, अगर आप ATM की बजाय आप किसी बैंकिंग का ऑनलाइन सिस्टम यूज करो, चाहे SBI ऑनलाइन, ICICI ऑनलाइन, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे जब भी आप उनका ब्राउजर ओपन कर, जब भी आप इंटरफेस यूज करते हो SBI ऑनलाइन का या ऐप यूज करते हो, उस टाइम पे आप ये थोड़ी ना चेक करते हो कि कितने लोग उस ऐप को यूज कर रहे हैं। आप तो सिंपली अपना यूजर नेम पासवर्ड फिल करोगे और अपनी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करोगे। तो हो सकता है उस टाइम पे हजारों लोग जो है वो ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वहां पे पैरेलल शेड्यूल चल रहा है। और सारे सिस्टम पहले क्या थे, सीरियल थे। तो सीरियल में एडवांटेज तो है, चलो कंसिस्टेंट, लेकिन डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, वेटिंग टाइम। और वेटिंग टाइम से प्रॉब्लम क्या आती है, मेरी परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली मेरी सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। सिस्टम की परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी बिकॉज बाकी सारी ट्रांजेक्शन तो वेट कर रही है, तो थ्रूपुट भी डिक्रीज होगी। थ्रूपुट क्या होती है, थ्रूपुट इज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम। टाइम कुछ भी हो सकता है, एक सेकंड ले लो, एक मिनट ले लो, एक आवर ले लो, मतलब एक यूनिट टाइम में कितनी ट्रांजेक्शंस एग्जीक्यूट हो रही है, दैट इज द थ्रूपुट। और जितनी ज्यादा थ्रूपुट होगी उतना सिस्टम की परफॉर्मेंस भी हाई होगी, बिकॉज थ्रूपुट एंड परफॉर्मेंस इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो थ्रूपुट को ज्यादा करने के लिए मेरे को ज्यादा ट्रांजेक्शंस को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो ज्यादा एग्जीक्यूशन तो तभी हो सकती है अगर मैं पैरेलल शेड्यूल को यूज करूं। तो सीरियल शेड्यूल जो है वो पहले यूज होते थे। अगर आप एक और एग्जांपल देखो, तो IRCTC का अगर मैं एग्जांपल हूं, इंडियन रेलवेज का, तो पहले हम कैसे बुकिंग करते थे, हम फॉर्म भरते थे और रेलवे स्टेशन में जाके जो बुकिंग विंडो है वहां पे फॉर्म सबमिट करवाते हैं। फॉर्म सबमिट करवाने के टाइम पे अगर दो तीन लोग और आ गए, तो वो दोनों तीनों लोग क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। हालांकि सारे लोग वहीं पे प्रेजेंट है, लेकिन वो बंदा जो है एक एक करके फॉर्म को प्रोसेस करेगा। तो पहले मेरा फॉर्म प्रोसेस हुआ, फिर दूसरे का प्रोसेस हुआ, तीसरे का प्रोसेस हुआ, तो ये तो बहुत ज्यादा वेटिंग टाइम है उस टाइम पे। तो पूरे दिन में आप सोच लो कि पूरे दिन में एक विंडो में कितनी ट्रांजेक्शन होती होंगी, बहुत कम। लेकिन जब से IRCTC ने अपना ऑनलाइन ऐप बनाई है, अपना ऑनलाइन वेब सर्विसेज ओपन की है, तब एक दिन में मोर देन 2-3 लाख ट्रांजेक्शन, एक दिन में 2-3 लाख ट्रांजेक्शन डेली बेसिस पे है IRCTC के ऊपर। वो क्यों पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ दिस पैरेलल शेड्यूल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिस्टम बंद हो गया, वो सिस्टम भी पैरेलल चल रहा है। ये वाला सिस्टम भी, शेड्यूल वाला जो सीरियल वाला भी पैरेलल चल रहा है, आप अभी भी रेलवे स्टेशन में जाके करवा सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली बात है, टाइम वहां पे मेरा कितना टाइम वेस्ट होगा, लेकिन यहां पे आप जब चाहो वहां पे यूज कर सकते हो, बिकॉज डेटाबेस को आप 24/7 कभी भी एक्सेस कर सकते हो। दिस इज द एडवांटेज ऑफ द पैरेलल शेड्यूल दैट
परफॉर्मेंस इज वेरी हाई, थ्रूपुट इज वेरी हाई, लेकिन जो यहां पे एडवांटेज थी वो यहां पे डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज कैसे, मैं वही बोल रहा हूं कि एक टाइम पे हजारों लोग ट्रांजेक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे मेरी प्रॉब्लम आ सकती है। जब भी पैरेलल एग्जीक्यूशन चलती है प्रॉब्लम आ सकती है। क्या प्रॉब्लम आ सकती है ये हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे सिर्फ आपको ये लर्न करना है कि सीरियल शेड्यूल क्या होते हैं, पैरेलल शेड्यूल क्या होते हैं, और हम हमेशा पैरेलल शेड्यूल के बारे में ही बात करेंगे, बिकॉज नाउअडेज वी आर वर्किंग ऑन दीज पैरेलल शेड्यूल, वी आर नॉट वर्किंग ऑन द सीरियल शेड्यूल, बिकॉज यूजर की डिमांड क्या है आज के टाइम पे, परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस हाई होनी चाहिए, वो तभी पॉसिबल अगर आप पैरेलल शेड्यूल्स को यूज करते हो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सीरियल शेड्यूल एंड पैरेलल शेड्यूल। थैंक यू।